नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी शर्मा, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन कदम कुआं पटना में आज लाइब्रेरी में आज मुझे घूमने का और बुक जो सजावट होती है कैसे वो देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे मित्र हैं दिगंबर जायसवाल जी जो यहाँ का लाइब्रेरियन है। ये देखिए, हाँ तो मिलिए दिगंबर जी से। क्या भैया कुछ बोलना चाहेंगे? कि जितने मेरे साहित्यकार के भी उपन्यास काव्य और कविता पढ़ने वाले भाई बहनों से अनुरोध है, विनती है कि यहाँ आए और पुस्तकों को देखें, पढ़ें समझे बूझे और इस हिंदी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, जो हम लोग की मातृभाषा हिंदी, जो हमारी मातृभाषा हिंदी है। और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में बहुत अच्छी व्यवस्था है, पुस्तकालय में सेल्टर भी है और ऐसे साहित्यकारों को आते यहाँ पे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं बैठ करके। देखिए बहुत सारे चेयर लगा हुआ है और देखिए यहाँ पे पुस्तकों की किस प्रकार से सजावट होती है। देखिए क्योंकि इतना अभी यहाँ टोटल पुस्तक की संख्या कितना है भैया? अभी टोटल पुस्तकों की संख्या 14,000 के अप्रोक्स में है, जिसमें देखिए अभी सजावट चालू है, देख सकते हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन कदम कुआं पटना। तो आज मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैं यहाँ पे आया और ये भैया जी से मिला, क्योंकि काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि पुस्तकालय में किस प्रकार से बुकों की सजावट होती है, तो वो मैं देख कुछ समझा। जो कि आप अगर किसी भी राइटर का आपको बुक चाहिए तो आप सिर्फ नाम बताएंगे और विद इन मिनट के अंदर में भैया जी खोज करके आपको दे देंगे, क्योंकि सारे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल में सारा सजाया हुआ रहता है। ठीक है, बहुत सारे जो मित्र हैं उनको दिक्कत होती है कि इतना सारा बुक है कैसे सजाया होगा, बट देखिए भैया ने हमारे जो लाइब्रेरियन हैं ये यहाँ पे सजाए हैं और ये अभी इन्हीं का इंचार्ज में है। ओ थैंक यू दोस्तों।